ताजमहल। वेल गाइस, आपको ताजमहल के बारे में तो जरूर पता होगा, और आपको ये भी पता होगा कि ताजमहल को वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड में भी कंसिडर किया जाता है, और उसको सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी रखा गया है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट ताजमहल जो शायद से ही आपको पता होगा। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड टैप द बेल आइकॉन टू स्टे ट्यून्ड विद ऑल आवर अपडेट्स। सो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, लेबर। वेल गाइस, अगर हम बात करें लेबर की, तो ताजमहल को बनाने के लिए 22,000 लेबरर्स, पेंटर्स, स्टोन कटर्स और एम्ब्रॉयडरी आर्टिस्ट की जरूरत थी। वेल गाइस, ये कोई चौंकाने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साल 1632 की, जिस साल में ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी ना ही कोई वेल इक्विपमेंट्स थे जिससे इतना बड़ा एक मैसिव प्रोजेक्ट तैयार हो सकता था बहुत ही जल्दी, जिसके लिए इतने सारे लेबर्स और पेंटर्स की जरूरत बहुत थी इन लोगों को। नंबर 2, वन मोर ताजमहल। वेल गाइस, आपको शायद से ये पता नहीं होगा, लेकिन लेजेंड्स की माने तो ऐसा माना जाता है कि एम्परर शाहजहां एक और ताजमहल बनाना चाहते थे, और ये वाला ताजमहल ब्लैक मार्बल का होने वाला था, और वो अभी के प्रेजेंट ताजमहल के जस्ट ऑपोजिट में ये होने का प्लान था। लेकिन उस टाइम पे उनके बेटों के बीच में क्योंकि एक वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से इस प्लान को वहीं पे रोक दिया गया। नंबर 3, डिफरेंट फेजेस ऑफ ताजमहल। वेल गाइस, अगर आप कभी भी ताजमहल गए होंगे तो आपको ये जरूर दिखने को मिलेगा कि ताजमहल दिन के हर एक टाइम पे अलग अलग व्यूज से लोगों को दिखता है। जैसे कि अगर हम बात करें सुबह सुबह की, तो ताजमहल आपको पिंकिश दिखता है। अगर हम बात करें इवनिंग टाइम की, तो तब ताजमहल मिल्की वाइट दिखता है। और अगर हम बात करें मूनलाइट के टाइम की, तो ताजमहल तभी गोल्डन दिखता है। वेल गाइस, लेजेंड्स का ऐसा मानना है कि एम्परर शाहजहां ने ताजमहल को इस तरीके से इसलिए डिजाइन किया था क्योंकि उनकी वाइफ हमेशा अलग अलग मूड में रहती थी, जिसके बेसिस पे ही शाहजहां ने ताजमहल को उसी बेसिस पे बनाया था कि उनकी वाइफ का मूड जैसे हमेशा बदलता रहता है, वैसे ही ताजमहल भी दिन के हर एक टाइम पे अलग अलग फेजेस में बदलता रहेगा। नंबर 4, इट टुक 17 ईयर्स टू कंप्लीट। वेल गाइस, इस पॉइंट को एक फर्स्ट पॉइंट का एक सब पॉइंट ही समझ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ये बोला ही था कि हम बात कर रहे ईयर 1632 की, जिस टाइम पे ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई वेल इक्विपमेंट्स थे, तो जिसकी वजह से इतना बड़ा एक अकॉम्प्लिश टास्क कंप्लीट करने के लिए इतने साल तो लग नहीं थे। सो इसीलिए इस पॉइंट में यही हमने डिस्क्राइब किया कि ताजमहल को बनने के लिए टोटल 17 ईयर्स लगे थे। नंबर 5, डोम। वेल गाइस, अगर आप ताजमहल गए होंगे तो आपने ताजमहल का डोम तो जरूर देखा ही होगा। गाइस, अगर हम बात करें इस ताजमहल के डोम के बारे में, तो ये 35 मीटर्स का है, यानी कि 115 फीट का, और ये चार अलग डोम से सराउंडेड है। गाइस, इस डोम को ऑनियन डोम भी कहा जाता है, क्योंकि ताजमहल का जो डोम है वो बहुत सा ऑनियन के जैसा दिखता है। नंबर 6, टूरिज्म। वेल गाइस, अगर आपको ये पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि हर साल ताजमहल को देखने के लिए फॉरेन से 3 मिलियन लोग आते हैं, यानी कि 30 लाख के आसपास, जिससे इंडियन गवर्नमेंट को टूरिज्म में बहुत प्रॉफिट होता है। गाइस, हर साल 3 मिलियन लोग सिर्फ फॉरेन से आते हैं ताजमहल को देखने के लिए। तो आप अभी खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि इंडिया से कितने लोग आते होंगे ताजमहल को देखने के लिए अलग अलग पार्ट से। नंबर 7, रूमर। वेल गाइस, ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने एक ऑर्डर किया था कि जिन जिन लोगों ने भी ताजमहल को बनाया था, उन सारे लोगों का हाथ काट दिया जाए, जिससे वो कभी भी ताजमहल के जैसा कोई भी मॉन्यूमेंट फ्यूचर में क्रिएट ना कर सके। हालांकि गाइस, ये एक रूमर है, लेकिन इसको बहुत ही बड़ी तरीके से माना जाता है। नंबर 8, मॉडर्न बजट। वेल गाइस, दुनिया भर के एनालिटिक्स ने इस चीज को स्टडी करके प्रूव किया है कि अगर ताजमहल को मॉडर्न टाइम में अगर शाहजहां को बनाने की जरूरत पड़ती, तो टोटल बजट जो शाहजहां को उठाना पड़ता, दैट वुड बी 100 मिलियन डॉलर्स, जो कि 7 लाख करोड़ के आसपास होता है। नंबर 9, ट्रांसपोर्टेशन। वेल गाइस, उस टाइम पे क्योंकि व्हीकल्स उतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे, तो कंस्ट्रक्शन के लिए जितने भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते थे, वो सारे मटेरियल्स को 1000 एलिफेंट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। नंबर 10, प्रेशियस स्टोन्स। वेल गाइस, ताजमहल में आपने जितने भी प्रेशियस स्टोन्स देखे होंगे, उसे कई गुना ज्यादा प्रेशियस स्टोन्स हुआ करते थे, लेकिन सारे प्रेशियस स्टोन्स को ब्रिटिश आर्मी ने 1857 में इंडियन रेबेलियन में सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे।
सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप दैट आपको कुछ फन फैक्ट्स पता चले होंगे ताजमहल के बारे में। आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड शेयर फॉर मोर वीडियोस। एंड गाइस, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आपको पास सारे नोटिफिकेशन चले जाएं हमारे लेटेस्ट एक्टिविटीज के बारे में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। माय नेम इज ऋषभ रे एंड यू आर वॉचिंग इंडस्ट्री हेल्पर।